हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DIY टेक बाय रवि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में बार कोड कैसे बनाएं। तो दोस्तों, बार कोड बनाने के लिए आपको दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए एक्सेल में, दूसरा आपको एक फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना होगा सिस्टम में। तो दोनों दो तरीके के फॉन्ट में इसमें बताऊंगा, दो तरीके से आप बारकोड बना सकते हैं अलग अलग, जो जो भी आपको सुटेबल लगे फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बारकोड बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, दो चीज़ों की है, एक फॉर्मूला और एक फॉन्ट। तो फॉन्ट के लिए मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको फॉन्ट किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है, आपको सर्च करना 349 फॉन्ट 34 एक्सेल। जब इस पे जाएंगे तो सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहां से डाउनलोड फॉन्ट कर लेंगे। डाउनलोड फॉन्ट करने के बाद आपको इस तरीके से 3 of 9 बारकोड डॉट जिप करके डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट फाइल्स, करने के बाद आपको ये इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद जो TTF फाइल होगी, ट्रू टाइप फॉन्ट, इसको बोलते हैं .TTF, मतलब ट्रू टाइप फॉन्ट, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, मेरे सिस्टम में पहले से ही है तो इसलिए ऑलरेडी बता रहा है, और अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये इंस्टॉल कर देगा। इसी तरीके से सेम दूसरा फॉन्ट का नाम है ID ऑटोमेशन बी फॉन्ट। यहाँ आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड नाउ के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, और ये कुछ कुछ इस तरीके का दिखेगा आपके सिस्टम में। आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लें। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के पास क्लिक करें और ये जो फिर से वही TTF फाइल है .TTF टू टाइप फोन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हम एक बार चेक करेंगे एक्सेल में कि हमारे फोन आए कि नहीं आए। होम पे गए, एक था हमारा 349, थ्री थ्री ऑफ नाइन आ गया है ये रेस में, और दूसरा था ID ऑटोमेशन। तो ये भी हमारा फोन इसमें ठीक से इंस्टॉल हो। तो चलिए दोस्तों, अब बारकोड बनाना शुरू करते हैं। बारकोड बनाने के लिए आपको, जैसे कि क्या होता है, बारकोड वगैरह यूज होता है आपके ग्रोसरी स्टोर में, या आपको किसी भी तरीके के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो उस पर आप बारकोड डाल सकते हैं, या फिर डला हुआ कंपनी पहले से ही डाल के भी देती है। तो आजकल जो ग्रोसरी स्टोर में सेलिंग या डेटा इंसर्ट होता है वो बारकोड के बेसिस पे होता है। आपने जैसे ही बारकोड डाला तो उसके प्राइस या अदर डिटेल्स, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, एक्सपायरी वगैरह सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो आपको फैच करके दे देता है। तो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डेटाबेस में, उस तरीके से लेता है। तो जैसे कि कोई आपका प्रोडक्ट में नंबर दिया हो, अब हमें इसका बारकोड बनाना है। तो बारकोड बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो दो साइड इसको कवर करना होगा स्टार से। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, डबल कोट्स में स्टार दिया और एम्परसेंड के साथ इसको कॉन्कैटिनेट किया, देन फिर लास्ट में फिर से स्टार को कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ये जो हम अब बारकोड बनाने वाले हैं, ये बनाने वाले हैं हम 349 जो हमने फॉन्ट इंस्टॉल किया था, और जो सेकंड है वो हम बनाने वाले हैं आईडी ऑटोमेशन। उसके लिए आपको फॉर्मूला सेम ही रखना है, सिर्फ आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टार की जगह आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये स्टार और ब्रैकेट जो आ रहा है आप इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ से मैंने फॉन्ट डाउनलोड किया उनकी साइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद मैं इसमें होम पे जाके यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा 3 of 9, और यहाँ पे मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा ID ऑटोमेशन ये वाला।
अब देखिए दोस्तों, इस फॉन्ट में सिर्फ सिंपल फॉन्ट में सिंपल बारकोड आ रहा है, और इस वाले फॉन्ट में बारकोड के साथ साथ नंबर भी आ रहा है। तो आजकल इसी तरीके का फॉन्ट यूज होता है बारकोड बनाने के लिए, जिसमें नंबर भी नीचे दिखाए थे, जिससे कि मिस्टेक ना हो। और ये बिल्कुल अब ऑटोमेटिक है, आप जस्ट यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए, ये आपको बारकोड जनरेट करके दे देगा। और आप इसका प्रिंट निकालेंगे, जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये परफेक्टली काम करेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।